तो आज तो तुम अपने जीवन के जन्मों जन्म के कर्म बंधनों को काटने का समय है मेरे बंधुओं। महाशिवरात्रि कोई ऐसे नहीं कि भगवान शिव का सालगिरह है शादी का। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है, म का अर्थ है मंगल, जो हमेशा हमारे जीवन में मंगल करता है, जो हमारे हर अमंगलों को मिटाता है। जैसे तुम कहते हो ना, मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहार, तो तुम जान हो अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ ता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजर बिहारी, जो अमंगल को मंगल करता हो। हमारे जीवन में बहुत कार्य ऐसा है जो अमंगल है, तुम नहीं जानते हो अगला पल क्या होगा। तो मेरे बंधुओं, आज बहुत बड़ा दिन है, संसार का बहुत बड़ा दिन है, हमको ऊपर उठाने वाला दिन है। मेरे कितने कर्म इससे कट जाएंगे कि आज रात में हम जगे रहें, हम रात में जगे रहें। मेरे बंधुओं, लोग गाली सुनकर भी जगाते थे और पुण्य होता था। आज भी कर्नाटका में है, वो पत्थर मारते हैं घरों पर जा जा करके कि लोग जगेंगे कि सोएंगे नहीं, और तुम यहां आ गए हो। कहते हैं महावीर ज्योति पुंज गए, लोग दीप जलाते और बुझा देते। लोगों ने पूछा, भगवान आपको कैसा लगा? महावीर कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा लगा, तुमने लाख दीप जलाए और लाखों बुझाए, तुमने जलाए और तुम ही ने बुझाए, लेकिन मैं तो एक ऐसा दीप जलाने आया हूं कि जो तुम में एक बार जले तो फिर कभी ना बुझे, फिर कभी ना बुझे। तो मेरे बंधुओं, मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसा दीप जलाने वाला हूं कि इस जन्म में ना जन्मों जन्म तक ना बुझे, जन्मों जन्म तक ना बुझे। और जानते हो, साधुता का अर्थ ये नहीं कि खाली घर छोड़े, कपड़ा बदल ले, परिवार छोड़े, नहीं। साधुता का अर्थ ये है कि जो संसार की जुग की दिशा बदल दे, जो जुग की दिशा बदल दे। और दिशा के साथ दशा भी बदल दे, दिशा के साथ दशा भी बदल दे। मेरे बंधुओं, जितने भी महान संत हुए हैं इस दुनिया में, उन्होंने दिशा बदली है। क्या महावीर हुए, क्या बुद्ध हुए, क्या राम, क्या कृष्ण, क्या शिव, जो भी हुआ, क्या गुरु नानक, क्या गुरु गोविंद सिंह, क्या शंकराचार्य, उन्होंने दिशा बदली है सोच की और दशा भी बदली है दुनिया की। एक बात बताओ, महावीर को कोई रोते हुए देखा? मीरा को कोई रोते हुए देखा? बुद्ध को कोई रोते हुए देखा? कृष्ण को कोई रोते हुए देखा? भोले बाबा का कोई रोते हुए देखा? ए, और इन सब ने कौन आदमी भिखारी से राजा बन गया? सब राजा से भिखारी हुए, सब राजा से भिक्षु हुए, और हंसते हंसते राजा से भिक्षु हो गए। ए, हंसते हंसते कोई भिक्षु से राजा नहीं हो सकता है, कारण कि हंसते हंसते वो भिक्षु से राजा बनेगा, लेकिन बनने के बाद रोएगा, वो रोएगा। मेरे बंधुओं, बात महत्व इसकी नहीं है कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये जीने की कला नहीं है। मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसे हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो बात जीने की कला, महानता उसमें नहीं है कि हमको ये मिल जाए मैं खुश हो जाऊं, नहीं। हमें कला उसको कहते हैं, महानता उसको कहते हैं कि जितना हमारे पास है उसमें खुशी का ढूंढ लो कि खुश कैसे हो लूं, जितना हमारे पास है उसमें खुश कैसे हो लूं, एक कला है ये ढूंढो पहले,
और फिर और होता जाएगा उसमें भी ढूंढते जाओगे, और होता जाएगा उसमें भी मिलते जाओगे। एक बात बताओ कि आज तुम तो शिव की पूजा करते हो, सब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव की एक करते हो। शिव की बारात जब गई हिमांचल के घर पे, गौरी के घर पे, तो उस उनके घर के लोग खुश हुए क्या? तुम जिसकी पूजा करते हो, आरती करते हो, उनसे शादी होने जा रही है गौरी की, और उसके माता पिता रो रहे थे कि किस भिखारी के पाले बध गया। सोच सोच ले, आज तो तुम आरती करते हो, आज तो पूजा करते हो, सबसे बड़े भगवान शिव हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अरे वो बराती बनकर जाते हैं और संसार के अजर अमर जो अमर है, कभी नहीं मरने वाला है, अमिट है, जितने भगवान आए हैं सबकी एक बार देह का अंत हुआ है, शिव का अंत नहीं हुआ है। और शिव का अंत होगा तो संसार अंत हो जाएगा, कारण कि शिव शरीर नहीं है, शिव जो है वो ब्रह्म है। शिव शरीर नहीं है तो शिव न जन्म लेंगे न मरेंगे, इसलिए इनको नकुल कहा जाता है, इनका कोई कुल भी नहीं है, इनका न जन्म और न मृत्यु, अमर हैं। और संसार के अमरत पहले देव जो अमर हैं उनकी विवाह होने गई है, वो बिन राजा बनकर गए हैं, और जिसके घर पर गए हैं, जिससे विवाह होने जा रही है, उसकी माँ और पिता रो रहे हैं कि कहाँ से भिखारी आ गया, ये जटा बढ़ा लिया, ये भभूत लगा लिया, ये बसा पर चढ़ गया, ये ऐसे बेकार है, और मैं अपनी मेरी बिटिया के कर्म फूटे। बताओ फिर खुशी कहाँ पर है, बता दो कहाँ पर खुशी है? हिमांचल को अगर पता होता कि इतने ब्रह्म के घर में, इतने परमात्मा के घर में मेरी बेटी जा रही है, नहीं पहचान पाए मेरे बंधुओं। कभी कभी तुम सब, हम सब का भी हालत ऐसे ही हिमांचल के घर जैसा हो जाता है, ऐसे ही गौरी के पिता और माँ के जैसा हो जाता है, कि हम ब्रह्म को भी देखकर नहीं पहचानते हैं, ब्रह्म में भी कुछ ना कुछ खोज लेते हैं, ब्रह्म में भी कमियां ढूंढने लगते हैं, हम उस परमात्मा में भी कमियां ढूंढने लगते हैं। कारण कि हमें ये मिल जाए तो हम खुश होना चाहते हैं, जो है उसमें खुशी के कारण नहीं ढूंढते हैं, उसमें खुशी नहीं ढूंढते हैं।